नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है हाल ही में जारी दुनिया के व्यस्तम हवाई अड्डे की सूची में भारत के किस हवाई अड्डे को सोलवा स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा सोलवा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों वह हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कौन सा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा को विश्व भर में सोलवा स्थान प्राप्त हुआ है इसके साथ बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न है हाल ही में नेपाल में किस भारतीय अभिनेत्री को पर्यटन के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जया प्रदा को नियुक्त किया गया है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने उड़ीसा परीक्षण केंद्र से एक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है कौन सी मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इस इस मिसाइल मिसाइल का का क्या नाम का क्या नाम नाम है है तो इसका ऑप्शन है नंबर ए सही है यानी कि इसका नाम है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल कौन सा पृथ्वी डिफेंस व्हीकल नाम है जो को अभी इसका सफल परीक्षण किया गया इसके बाद चलते हैं अगले पृष्ठ पर अगला प्रश्न है हाल ही में किस खिलाड़ी को फीफा का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है फीफा का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है यानी कि लोका मार्ड्रिक को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बाद चलते हैं अगले पर हाल ही में सरकार ने ई विधानसभा के लिए नेवा नावक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका पूर्ण रूप है इसका या फुल फॉर्म किस क्या है नेवा का फुल फॉर्म क्या है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इसी के बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है भारत किस देश में गांधी मार्च आयोजन करेगा भारत किस देश में गांधी मार्च का आयोजन करेगा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी है नीदरलैंड में आयोजित करेगा कहाँ पर नीदरलैंड में के बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है इज़ इज़ ऑफ़ ऑफ़ लिविंग इज लिविंग इंडेक्स 2018 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है कौन सा राज्य पर है तो इसका है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पर है आंध्र प्रदेश इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न है अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है अंत्योदय अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन सत्ताईस सितंबर चौबीस सितंबर या तो पच्चीस सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस किसको पच्चीस सितंबर को मनाया जाता है इसके बाद अगले प्रश्न है हाल ही में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो भाई खिलाड़ी हैं दोस्तों एम एस धोनी बन गए हैं इन्होंने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं सर्वाधिक मैच खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन से दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं इसके बाद आगे अगला प्रश्न है हाल ही में जेल सुधारों पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है किसके द्वारा किया गया है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो जिसका काम है जेल सुधारों पर नजर रखना दोस्तों यह रही 26 सितंबर 2018 के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में तो चलिए दोस्तों यह वीडियो यहीं पर अब समाप्त होता है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाय